हेलो गाइस, आज हम आए हैं अंजुमन इस्लामिया मैरिज हॉल पटना, जो कि पटना का बहुत फेमस मैरिज हॉल है, जो अभी हाल ही फिलहाल में न्यू बनकर तैयार आया है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं अंदर से कैसा नज़ारा है। ये आ रहे हैं हमारे मित्र आजाद आलम जी। हाँ, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये हमारे एक और दोस्त हैं। आज हम पार्टी में आए हुए हैं। क्या बेटा, ठीक है, ये पार्टी को खोल देना ना। हाँ बोलिए, तुमसे बात करेंगे। हेलो, ये वाटरफॉल है जो अभी बंद किए हुए हैं। ये अंदर का नजारा है, और यहाँ पे कॉकटेल और मॉकटेल बनते हैं, नॉन अल्कोहलिक जूस वगैरह सब, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हेलो गाइस, देखिए अब भैया हमारे लिए मॉकटेल बनाकर दिखाएंगे। ये मॉकटेल है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसा, कोई अल्कोहलिक नहीं है। इसमें डल चुका है खूब सारा बर्फ, और इसके बाद भैया इसमें फ्लेवर डाल रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे मिलाया जाता है। देखिए अब हमारा मॉकटेल तैयार हो चुका है, और अब भैया इसमें निकाल रहे हैं। देखो छोटू, पी कर देखो कैसा। आप 5 सेकंड में ये पूरा कंप्लीट, पी कर बताओ कैसा टेस्ट है। अच्छा, चलो भैया पास हो गए, बहुत अच्छा बनाए हैं। चलिए अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये सूप मिल रहा है, वेज सूप है ये। और भाई ये आ गए हम वहाँ जहाँ पे सभी लोग जहाँ पे शादी में आते हैं, जिनका इंतजार रहता है खाने पीने का जगह। पूरी है, नान है, फिश फ्राई।
आइसक्रीम है, आइसक्रीम हम और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। पानी पूरी, चाउमीन, मंचूरियन, देख लिए गैस। ऐसा ही है अंदर से अंजुमन इस्लामिया मैरिज हॉल, और यह अभी हाल ही फिलहाल मेन्यू बन के तैयार हुआ है, और शायद इसकी लागत शायद 52 करोड़ से आई है, यानी 52 करोड़ रुपए। ये हमारा जो सामने जो उसका मेन जो गेट बना हुआ है वो है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम ब्लॉग खत्म करते हैं आज का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।